गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग अपनी थर्ड पोयम आगे पढ़ेंगे। अब इसके पहले लास्ट क्लास में हम लोग ने एक स्टैंजा पढ़ लिया था, उसमें हम लोग ने ये पढ़ा था कि जॉन मिल्टन जो कि पोएट हैं इस पोयम के, वो अंधे हो गए हैं और बहुत ही कम एज में, यानी 44 ईयर्स में ही वो अंधे हो गए हैं। वो बहुत दुखी हैं, दुखी इस बात से हैं कि इतनी कम एज में वो अंधे हो गए हैं, और उससे भी ज़्यादा दुख उन्हें इस बात का है कि वो अपने पोइटिक टैलेंट को, यानी जो उनकी पोइट्री लिखने की जो कैपेबिलिटी है, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे और वो बेकार हो जाएगी उनकी मृत्यु के ही साथ। जबकि क्या कह रहे हैं आगे देखिए, तो माई सोल मो बेंट टू सर्व दे विथ माई मेकर, जबकि मेरी आत्मा बहुत ही इच्छुक है टू सर्व, सेवा करने के लिए, देर विथ उसी से, किससे, उसी पोइटिक टैलेंट से, माई मेकर मेरे ईश्वर की। ये कह रहे हैं कि जो भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया है, कौन सा गिफ्ट, पोइटिक टैलेंट का, मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। किस चीज के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान की सेवा करने के लिए ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों कि जो ये जॉन मिल्टन, ये एक रिलीजियस पोएट के रूप में जाने जाते हैं, यानी धार्मिक कवि, यानी इन्होंने ईश्वर के ऊपर काफी लिख रखा है। या आप इनकी बाकी भी पोएम पढ़ेंगे या रचनाएं पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने भगवान के लिए काफ़ी कुछ लिख रखा है। इसलिए कह रहे हैं ये कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं पोएट्री लिखूं और अपने ईश्वर की सेवा करूं, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना अकाउंट यानी लेखा जोखा, ऐसा विश्वास होता है ना कि हम जब मृत्यु के बाद भगवान के पास जाते हैं तो भगवान हमारा लेखा जोखा मांगते हैं कि हमारे क्या कर्म थे, हमने क्या क्या किया। Lest he returning chide, doth got exact labor light a night, lest कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे चाइट यानी मुझे डांटे, क्यों, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अंधा हो गया हूं, मैंने तो कोई भी काम किया ही नहीं। तो जब भगवान मुझसे पूछेंगे, मेरा अकाउंट मांगेंगे कि आपने क्या किया अपने जीवन में, तो मैं उनको क्या दिखाऊंगा, क्या प्रेजेंट करूंगा, क्या अकाउंट उनके सामने रखूंगा मैं, मेरे पास तो कुछ दिखाने को नहीं रहेगा। और बदले में क्या होगा, वो मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे कि तुमने तो पूरा जीवन ही व्यर्थ कर दिया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। डथ गॉट एग्जैक्ट ए लेबर लाइट ए नाइट, आप ये क्या कह रहे हैं, क्या ईश्वर, लाइट ए नाइट का मतलब क्या है, जिसके पास रोशनी ना हो, यानी जो अंधा हो गया हो, और डथ यानी डज, गॉट एग्जैक्ट का मतलब यानी डिमांड करना है। क्या कह रहे हैं, क्या ईश्वर ऐसे इंसान से किसी भी तरह की सेवा की या परिश्रम की उम्मीद करेंगे या डिमांड करेंगे उससे, जिसकी आंखें चली गई हों, यानी जो इंसान अंधा है, क्या ऐसे इंसान से भी भगवान उम्मीद करेंगे कि उसने भी जीवन में कुछ किया हो। आई फॉन्डली आस्क, आई फुलिशली आस्क, मतलब मैंने बहुत ही एक, ये मेरे मन में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण या बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन मेरे मन में आया कि क्या ईश्वर को ऐसे इंसान से उम्मीद करनी चाहिए किसी प्रकार के परिश्रम की या किसी प्रकार के अकाउंट की, जो कि वो, जो कि अंधा हो चुका है, जिसको भगवान ने अंधा बना दिया है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य ने मुझे रोका। कैसे धैर्य ने, दैट मर्मर सून रिप्लाइज्ड, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. क्या कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी एक धैर्य की भावना मेरे मन में आती है, एंड दैट मर्मर, मर्मर यानी फुसफुसाना, मुनमुनाना, यानी जो मैं अभी तक इतना बड़बड़ा रहा था गुस्से में या डिप्रेशन में, वो मर्मर सून रिप्लाइज, वही मर्मर मुझे उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, ईश्वर को किसी भी मनुष्य की सेवा की जरूरत नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही किसी प्रकार के उपहार की जरूरत है। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट, कह रहे हैं कि वही उसका असली सेवक है, ईश्वर का असली सेवक वही इंसान है जो बैर करे, बैर मतलब सहना, हिज माइल्ड योक, माइल्ड योक यानी थोड़ी मोड़ी परेशानियां, छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी समस्याएं,
कहने का मतलब ये है कि जो इंसान जीवन में आई कठिनाइयों से परेशान नहीं होता और उसको बैर कर लेता है, वही ईश्वर का असली सेवक है। यानी असल सेवक वही है ईश्वर का, जो ईश्वर द्वारा दिया गया हर चीज स्वीकार कर ले, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। यही जॉन मिल्टन को बाद में उत्तर मिलता है। पहले तो उस समय बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बाद में उनका ही अंतःकरण उनको उत्तर देता है कि ईश्वर को किसी भी मनुष्य की सेवा या उसके उपहारों की जरूरत नहीं होती है। अगर ईश्वर की सेवा करना है तो उनके द्वारा दिया गया जो कुछ भी है उसको आप स्वीकार कीजिए प्रेम के साथ, तभी आप उनकी सेवा करते हैं।